And I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to... हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल है आप लोगों के? मेरे हाल आज बहुत बढ़िया है, बिकॉज टुडेज वीडियो कम्स फ्रॉम अ वेरी पर्सनल डीप एक्सपीरियंस। जब हम 6-7 दोस्त मिलके एक फुटबॉल लेने जाते थे तो बजट का कंस्ट्रेन रहता था, सब लोग कंट्रीब्यूट करते थे, इतने ऑप्शंस, इतने ब्रांड्स अवेलेबल हैं मार्केट में, कुछ समझ ही नहीं आता था कौन सी बॉल लेनी है। तो ये कन्फ्यूजन आप लोगों को मैं नहीं होने दूंगा, क्योंकि आज के वीडियो में मैं लेके आया हूँ बेस्ट फुटबॉल अंडर ₹500। यस पीपल, ये तीनों बॉल आपके सामने रखे हुए हैं। ये बॉल का मैं रिव्यू करने वाला हूँ, क्यों ये मार्केट में सबसे अच्छे बॉल है अंडर ₹500। एंड ऑल्सो यू सी दिस ब्यूटिफुल टर्फ, यस यहीं पे मैं ये बॉल्स को टेस्ट भी करने वाला हूँ। सो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी, तो जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। सो पीपल, स्टार्ट करते हैं पहले बॉल का रिव्यू, जो कि है हमारी निविया की कंट्री कलर एडिशन बॉल। जैसे कि आप लोग यहाँ पे ये बॉल देख सकते हो, निविया की तरफ से ये बॉल है, साइज़ नंबर 5 है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है साइज़ नंबर 5 है इसका। 32 पैनल्स है बॉल के अंदर। पैनल का मतलब ये होता है कि ये जो इतने भी आप देख सकते हो, ये हेक्सागन जो बना हुआ है यहाँ पे, अगर आप लोग देख सकते हो या यहाँ पे बना हुआ देख सकते हो, ये सारे ऐसे 32 हैं बॉल के ऊपर। रबर लेयर है इसकी सरफेस जो है ऊपर की, हार्ड ग्राउंड्स एंड टफ ग्राउंड्स के लिए ये बॉल बनाई गई है। जैसे कि अगर आप मड में खेलते हो, कंक्रीट पे खेलते हो, या कोई भी टफ कोई भी हार्ड सरफेस के ऊपर खेलते हो, तो वहाँ पे ये बॉल चल जाएगी आराम से। ये बॉल के अंदर जो ब्लैडर है वो है ब्यूटाइल ब्लैडर, जो कि ब्लैक कलर का होता है। आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कैसा दिखता है, बॉल फाड़ के नहीं दिखा पाऊंगा, आई एम सो सॉरी, लेकिन हाँ ब्यूटाइल ब्लैडर है इसका, ब्लैक कलर का मोल्डेड फुटबॉल है ये। स्पेशली यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे ये मोल्डेड फुटबॉल है, यहाँ एक जगह और लिखा है, देखिए यहाँ पे भी लिखा है ये मोल्डेड फुटबॉल है। मोल्डेड फुटबॉल का मतलब होता है कि भाई ये स्टिच्ड नहीं है, ये पैक्ड फुटबॉल आती है, जिसके अंदर आपने ब्लैडर देखा तो वो ब्लैडर इसके अंदर ही है, पैक्ड आता है, कोई भी स्टिचिंग नहीं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो किसी भी टाइप की कोई स्टिचिंग नहीं है यहाँ पे। अब ये बॉल जो है वो इंग्लैंड एडिशन बॉल है। अब इसके अंदर और दूसरे आ जाते हैं, ब्राज़ील है, जर्मनी है, इटली है, अर्जेंटीना है, ये सारे एडिशन्स भी आ जाते हैं इसके अंदर। निविया की बॉल है ये। नाउ कमिंग टू द प्राइस ऑफ दिस बॉल, द प्राइस ऑफ दिस बॉल इज MRP इज ₹440। और इसको अगर आप थोड़ा कम करेंगे, अगर आप जब लेने जाओगे थोड़ा कम करोगे, तो फिर इसकी प्राइस आपको हो जाएगी कुछ 400 के अंदर अंदर आपको ये बॉल कंफर्टेबली मिल जाएगी। काफ़ी अच्छी बॉल है, मस्त बॉल है, बनावट बहुत अच्छी है, 400 जैसे प्राइस के अंदर काफ़ी सूटेबल और एक अच्छी परफॉर्मेंस देने वाली बॉल है ये। कमिंग टू द सेकेंड बॉल दैट वी हैव इज निवियाज, अगेन निविया की स्टॉर्म है, यहाँ पे निविया लिखा हुआ है, ये इसका मॉडल है, स्टॉर्म बॉल है ये। ये बॉल के साथ बहुत बचपन निकाला है मैंने अपना, अब तक मार्केट में चल रही है, आई एम रियली हैप्पी टू सी दिस। अगेन ये 32 पैनल्स है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, रबर मोल्डेड है ये, साइज नंबर 5, रबर मोल्डेड, रबर यानी कि इसके जो टॉप लेयर है वो पूरी रबर की बनी हुई है, मोल्डेड है, अगेन पैक्ड बॉल है। इसके अंदर भी जो ब्लैडर है आप लोग अगर देखोगे, वही ब्यूटाइल ब्लैडर है, ब्लैक कलर का वही ब्लैडर है, फाड़ के नहीं दिखाने वाला, प्लीज़ डू नॉट एक्सपेक्ट दिस, अगेन आई एम सेइंग इट, बॉल नहीं फाड़ सकता मैं। ये है जो डिज़ाइन है इसका, काफ़ी ज़्यादा कूल है ये जो यहाँ पे बने हुए हैं, ये पता नहीं जो भी बना हुआ है, पता नहीं मतलब जो भी स्ट्रॉन्ग ही लग रहा है, मतलब स्ट्रॉन्ग वैसे भी अगर आप देखोगे इन रियल लाइफ भी ज़्यादा समझ में नहीं आता तो बॉल के ऊपर भी, लेकिन डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा कैची है ये वाला। इट इज़ ऑल्सो अगेन मेड फॉर रफ सर्फेसिस, टफ़ सर्फेसिस, कॉन्क्रीट पे आप जाके खेलोगे, आप कहीं पत्थर वाली जगह पे अगर जाके खेलोगे, टफ वफ पे भी चल जाती है बॉल, ऐसी कोई बात नहीं है। बारिश के अंदर सबसे ज़्यादा ये वाली बॉल सपोर्ट देती है, इंग्लैंड वाली बॉल भी बारिश में सपोर्ट देती है, ये वाली कुछ ज़्यादा ही देती है, कमिंग फ्रॉम अ पर्सनल एक्सपीरियंस। नाउ दिस बॉल कम्स फॉर अनदर 2 कलर्स एज वेल, ये ऑरेंज वाला है मेरे पास, वाइट में आता है ये बॉल और येलो में आता है, काफ़ी फेमस कलर्स है, आपने वाइट वाला तो सबने ही देखा होगा यार, आई एम फ्रेंकली स्पीकिंग। नाउ कमिंग टू द प्राइस ऑफ दिस बॉल, इसकी MRP जो है 749 है, कहीं 749 है, कहीं इसकी MRP 599 है, तो ये इसकी MRP चेंज होती रहती है वैसे, पता नहीं कहीं कुछ और दिखाते हैं, अमेजोन पे कुछ और है, फ्लिपकार्ट के ऊपर कुछ और है, तो इसकी MRP काफ़ी चेंज होती रहती है, लेकिन ये बॉल जब आप लेने जाओगे जिसकी सेलिंग प्राइस है वो अंडर 500 ही, आपको 499 के अंदर ये बॉल मिल जाएगी। ऑनलाइन चेक करोगे तो शायद 499 से और कम में भी आप लोगों को मिल सकती है ये वाली बॉल। ऑलराइट पीपल, कमिंग टू द थर्ड बॉल विच इज़ निविया, अगेन एयर स्ट्राइक, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये लिखा हुआ है, 32 पैनल्स लगे हुए हैं ये बॉल के अंदर, अगेन सेम है, एक डिफरेंस है बाकी दोनों बॉल से कि ये स्टिच्ड है, यू गाइस कैन सी द स्टिचिंग यहाँ पे, ये देखो ये स्टिच्ड है पूरी की पूरी बॉल, यहाँ से
पीवीसी टॉप लेयर है। पीवीसी का मतलब होता है पॉलीवाइनल क्लोराइड, एक थर्मोप्लास्टिक होता है जो बॉल के ऊपर ऐसे डाला जाता है फॉर द लेयरिंग। जैसे कि आप लोग इसकी आवाज़ भी सुनोगे तो कोई आवाज़ नहीं आती, देखो ऐसे मैं बहुत ऐसे आवाज़ आती है, मैं बहुत ट्राई भी कर रहा हूँ ना तो कुछ बहुत कम आवाज़ आ रही है। एनीवे, दिस इज़ एयर स्ट्राइक बॉल। एयर स्ट्राइक बॉल इज़ अवेलेबल इन डिफरेंट कलर्स एज वेल। ये आ जाते हैं आपको ऑरेंज में है, येलो में है, वाइट में भी आपको ये बॉल मिल जाती है। दिस बॉल इज़ मेंट फॉर टफ ग्रास पे खेलो, या अगर आप ग्राउंड ग्रास पे खेल रहे हो वहाँ पे ये बॉल आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, बहुत सॉलिड परफॉर्मेंस देने वाला है। कमिंग टू द प्राइस ऑफ इट, MRP इसकी जो है 590 रुपीज़ की है। सेलिंग प्राइस अगेन 499, कहीं ऑनलाइन अगर आप जाके चेक करोगे तो वहाँ पे भी आपको थोड़े 499 से शायद आपको कम में भी मिल सकता है, लेकिन फिलहाल इसकी प्राइस 499 रुपीज़ है। अंडर 500 ही रहने वाले जितने भी मैंने आपको सारे बॉल्स बताए। नाउ इट्स द टाइम टू टेस्ट द ग्राउंड टेस्ट ऑफ दीज बॉल्स। तीनों बॉल है, देखो यहाँ पे आप लोग पास से आके देख सकते हो, तीनों बॉल है ये सारी, तीनों बॉल का ग्राउंड टेस्ट करने वाले हैं। एंड देन थोड़ी और बातें होंगे, एंड देन वी विल एंड दिस वीडियो क्विकली। ऑलराइट पीपल, ग्राउंड टेस्ट करने से पहले एक ड्रॉप टेस्ट करके देखेंगे। तीनों बॉल्स को एक ही टाइम पे मैं छोड़ूंगा और फिर देख लेना। देखो मोशन में कुछ नहीं, ना मैं कुछ प्रेशर लगा रहा हूँ। 1, 2, 3 इक्वली बाउंस करके, इंग्लैंड वाली थोड़ी सी कम बाउंस करी, इंडिविजुअल करके दिखाता हूँ। ये इंग्लैंड वाली बॉल है, यहाँ मेरे शोल्डर हाइट से मैं छोड़ रहा हूँ ये बॉल। नाइस, नॉट बैड यार, अच्छा है। नाउ एयर स्ट्राइक करके देखेंगे अपन। हाँ, थोड़ा सॉफ्ट है ये एयर स्ट्राइक जो है, थोड़ी सी सॉफ्टनेस है इसके अंदर। और अब स्टॉर्म करके देखेंगे अपन, स्टॉर्म को भी अगर कर देते हैं। हाँ, स्टॉर्म के अंदर आवाज़ से पता चलता है कि थोड़ा हार्ड आ रही है आवाज़। अभी तीनों बॉल का मैं करने वाला हूँ ग्राउंड टेस्ट, एक एक शॉट लूँगा मैं, थोड़ा जगल भी करके देखूंगा, पता चल जाएगा पैरों के ऊपर कैसी फील होती है, और देन अकॉर्डिंगली आप लोग डिसाइड कर लेना आप लोगों के लिए कौन सी बेस्ट है। भाई चलो बढ़ते हैं ग्राउंड टेस्ट की तरफ। अब थोड़ा जगल करने वाला बॉल ताकि पता चल जाए क्या फील होता है पैरों के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट जगलिंग। हार्ड फील हो रहा है मेरे को थोड़ा, जूते पहने मैंने फिर भी। चलो अभी ये बॉल को अपन मारेंगे गोल की तरफ और फिर देखते हैं क्या फील होता है। बॉल रख दी मैंने यहाँ पे, वो सामने गोल है, वहाँ पे लेने वाला हूँ मैं एक शॉट, तो वॉच इट आउट। ये गया, मस्त बॉल थी यार, अच्छा फटे ट्रैवल किया एक्चुअली। चलो एक और लेके देखते हैं, एक और। नाउ आई एम टेकिंग इट फ्रॉम द लेफ्ट लेग। सही है यार, नीचे भी अच्छा ट्रैवल कर रही है बॉल, बुरी नहीं है बॉल, मेरे को बहुत अच्छा लगा। बॉल लेके आता हूँ एक सेकेंड, थोड़ा कैरी भी कर रहा हूँ तो फिर सही लग रही है। सही है, मज़ा आ गया भाई, खेलने में मज़ा आ गया। गीली सर्फेसिस पे अच्छी चलने वाली है, बारिश का मौसम है, टर्फ भी थोड़ा गीला ही है। चलो अब दूसरी बॉल की तरफ चलते हैं। अब बारी है निविया स्टॉर्म की, निविया स्टॉर्म को अपन जगल करके देखते हैं। सही है, थोड़ा हार्ड फील हो रहा है वापस, पर वो निविया वाली जो बॉल है ना वो सॉफ्ट लग रही थी, थोड़ी मेरे पैरों के ऊपर लग रही है। हार्ड सर्फेस के लेना है इसके लिए। चलो अभी यही बॉल गोल में मार के देखेंगे, फिर पता चलेगा क्या फीलिंग है। ओ तेरे, ये तो गोल के अंदर ही नहीं गया यार। चलो एक शॉट और लेके देखेंगे, लेफ्ट लेग से शॉट लेके देखते हैं अभी। ये भी नहीं गई। ओह, मेरे को लग रहा है बॉल हल्की है। देखो एक डिफरेंस बताता हूँ, बॉल में भी ऐसा होता है, बिल्ट जो है अंदर से वो हल्का है, मैं थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर लगाया तो बॉल उड़ के जा रही है एकदम। अब एकदम कम प्रेशर लगा के देखता हूँ, पक्का गोल में जाएगी इस बार। कम प्रेशर, एकदम आराम से चली गई यार, देखा आप लोग ने, सिंपल सही बॉल थी। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये तो थोड़ी मैं मस्ती कर रहा था ऐसे ही, बट ऑनेस्टली हल्की बॉल है, बारिश में खेलोगे अच्छी है, ट्रैवल अच्छा कर रही है, लॉफ्ट करोगे, हाई किक्स लोगे, शूट लोगे, फटे ट्रैवल करने वाली है बॉल। देखो थोड़ा सा मैं आप लोगों को इसको लेके भी दिखा देता हूँ, थोड़ा चल वल के। थोड़ी बारिश में स्लिप हो रही है मेरे जूतों के ऊपर से, बट आई थिंक नंगे मतलब नहीं खेलना चाहिए, पर अगर खेलोगे तो अच्छी ग्रिप मिल जाएगी। अब बारी है निव्या एयर स्ट्राइक की, इसको जगल करके देखते हैं। हाँ, ये थोड़ा एकदम हल्की पड़ रही है मेरे पैरों के ऊपर। हाँ, ये वाली बॉल एकदम हल्की पड़ रही है क्योंकि PVR कोटिंग है इसके अंदर, सॉरी PVC कोटिंग है, एकदम ईजी पड़ रहा है मेरे को, हार्ड फील नहीं हो रहा है। चलो अभी बॉल को शॉट लेके देखते हैं, फिर पता चलेगा और क्या क्या है इसके अंदर। ए, चलो शॉट लेके दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को बॉल, अभी आप लोग देखना। हाँ, जो इसकी पैडिंग है ना अंदर, जो क्लोराइड लेयर जो है अंदर, क्या कहते हैं, पॉलीवाइनल क्लोराइड, फील हुई मेरे को जैसे शॉट लिया। थोड़ा सा मेरे को ऐसे जैसे टांगों से होता है ना, थोड़ा
क्या कहते हैं एक सॉफ्ट वाली फीलिंग आई। देखो मैं आप लोग को दिखाता हूँ, यहाँ पे जो बॉल है ना देखो कैसे दब रही है, ये पैडिंग का असर है, ये जो क्लोराइड है जो टॉप लेयर है पीवीसी उसका है। चलो लेफ्ट लेग से एक शॉट लेके देखते हैं अभी। मत गई बॉल, मज़ा आ गया, अच्छी बॉल है, टर्फ पे एक्चुअली वर्क करी है, रबर वाली थोड़ी सी ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर रही थी दोनों बॉल में बोलूँगा आपको, तो इंग्लैंड वाली ने फिर भी अच्छा ट्रैवल किया, ये तो आराम से चली गई। स्टॉर्म को मैं थोड़ी से माइनस मार्क्स दूंगा, बट ठीक है मज़ा आ गया, तीनों बॉल अपनी अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा अच्छी है। एक दो बार और मार के देखता हूँ बॉल को, सिर्फ एक दो बार ही मारा मैंने, और एक दो बार मारते देखते फीलिंग सेम है कि नहीं। देखो मैं करेक्ट रिव्यू वीडियो बनाना चाहता हूँ इसलिए ग्राउंड टेस्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं बॉल को लाते मार रहा हूँ, घुसे मार रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। चलो अभी शॉट लेके देखते हैं, मज़ा आएगा। ये इंग्लैंड वाली बॉल है, इंग्लैंड वाली बॉल को अभी शॉट लेके देखते हैं। ये गया एक, गई बार, ये गई गया नहीं अंदर, हल्का था, मज़ा है, सेम फीलिंग आई, थोड़ा सा मेरे को लगा थोड़ी सी हैवी थी इस बार। दूसरी वाली मार के देखते हैं स्टॉम, ये भी गई ऊपर, ये भी गोल के अंदर नहीं गई, हल्की है इस वजह से शायद नहीं गई, मतलब चली जाएगी मेरे को डालना तो, लेकिन मैं सिर्फ एक शॉट लेके देख रहा हूँ। एयर स्ट्राइक को मार के देखेंगे अभी, एयर स्ट्राइक का देखते हैं, एयर स्ट्राइक काफ़ी ईजिली चली गई। अब मैं मेजर डिफरेंस बता देता हूँ आप लोगों को, जो मोल्डेड बॉल है ना उसके अंदर मेरे को ये फील हुआ कि शॉट मारने के लिए ताकत ज़्यादा लग रही थी लेकिन उड़ ज़्यादा रही थी, जजमेंट बिठाना पड़ रहा था, लेकिन एयर स्ट्राइक वाली जो बॉल है ये वाली बॉल मेरे को थोड़ी से ज़्यादा ऑन द ओवर द एज लगा, इट हैज़ अ लिटिल एज, ईजिली चली गई, ज़्यादा ताकत वाकत लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जितना मैं शॉट में ताकत लगा रहा था उतनी ही ये जा रही थी, वहाँ पर मैं ताकत कम लगाई लेकिन ज़्यादा चली गई, तो ये फ़र्क हो जाता है स्ट्रेच बॉल और मोल्डेड बॉल के बीच के अंदर। ऑल राइट पीपल, एक रीज़न देना चाहता हूँ मैं आप लोगों को, यू गाइज मस्ट बी वंडरिंग व्हाई हैव आई चोजन ऑल द निविया फुटबॉल्स, इट्स कम्स फ्रॉम अ वेरी पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ। देखो 500 रुपीज़ के अंदर वेक्टर एक्स के भी बॉल आते हैं, सारी बॉलें आती हैं, बट आई ऑलवेज प्रेफर, अगर आप कम बजट में जाना चाहते हो तो आई थिंक निविया से बेटर कोई ब्रांड है ही नहीं जो आपको अच्छी परफॉर्मेंस दे। देखो मैं बोलता हूँ तीनों बॉल ड्यूरेबल है, थर्मो ये वाली बॉल बारिश में ज़्यादा नहीं टिकेगी, दोनों बॉल बारिश में फटे टिक जाएगी, कोई टेंशन की बात नहीं है। टर्फ पे ये वाली बॉल ज़्यादा टिक जाएगी, एयर स्ट्राइक वाली, ये हार्ड सर्फेस पे खेलो बेटर है, टर्फ पे भी खेल सकते हो लेकिन ट्रैवलिंग और जो परफॉर्मेंस है उतनी बेटर नहीं आएगी इसकी, ये दोनों की हार्ड सर्फेस पे ज़्यादा आने वाली है। नाउ यू गाइज मस्ट बी वंडरिंग कि किप्स्टा की भी तो बॉल आती है जो 299 रुपीज़ की आती है, वो मैंने क्यों नहीं बताई, उसका एक रीज़न ये है कि एक और वीडियो आने वाला है डिकैथलॉन फुटबॉल के ऊपर ही, तो मैं वो वाली फुटबॉल उसके अंदर इंक्लूड करने वाला हूँ। ये अगर आप एक्सेप्ट डिकैथलॉन आप मार्केट में जाओगे लेने के लिए तो ये सारी बॉल्स आप लोगों को मेरे हिसाब से जो बेस्ट है इसके अंदर आप अपने मनी इन्वेस्ट करो, यू गाइज विल नॉट रिग्रेट इट। नाउ थैंक यू सो सो मच कल्याणी स्पोर्ट्स फॉर प्रोवाइडिंग मी विद दीज बॉल्स। देखो मैं आपको ऑनलाइन प्राइस चेक करने की बात कर रहा था, सब कर रहा था, कल्याणी स्पोर्ट्स चले जाना, तीनों बॉल मिल जाएंगे, सारे कलर मिल जाएंगे, आपको बेस्ट प्राइस भी लगा के दे देंगे। इट्स नॉट अ कोलैबोरेशन वीडियो, नॉट अ प्रमोशन वीडियो, बट आई एम सेइंग दिस बिकॉज दे हैव रियली रियली हेल्प्ड मी इन फाइंडिंग दीज बॉल्स एंड लेटिंग मी यूज़ दीज बॉल्स। ऑल्सो थैंक यू सो मच डगआउट टर्फ, जो मेरे को रोहन, जैसे कि आप लोग ने अगर हमारा इंटरव्यू देखा होगा, रोहन ऑलवेज लेट्स मी यूज दिस स्टफ फॉर मेकिंग लॉट ऑफ कंटेंट फॉर यू पीपल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द चैनल, आई होप दिस वीडियो वॉज रियली रियली हेल्पफुल। अगेन मेरे को कंटेंट आइडियाज आप लोग दे सकते हो, कमेंट करके बताना फेवरेट फुटबॉल कौन सी लगी, फेवरेट क्या मजा आया देखने में क्या नहीं, एंड सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। कमिंग टू द लास्ट बॉल विच इज निविया एयर स्ट्राइक, ओ गॉड थोड़ी सी लग गई, कट करो। Coming to the last ball, which is this blue ball, Nivea Air. Fuck, bhago, 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 bhago.